हे एवरीवन, तो कोई भी डायरेक्टर को जब हम अपॉइंट कर रहे होते हैं कंपनी में, क्योंकि कंपनी को डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, डायरेक्टर से ही कंपनी मूव करेगी, तो शेयर होल्डर्स मेंबर्स मिलके डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, तो कभी कभी यही मेंबर्स ही खुद भी डायरेक्टर्स होते हैं। लेकिन कंपनी वर्क थ्रू रेजोल्यूशंस, तो हमें पूरा पेपर वर्क, बोर्ड मिनट्स सब कुछ होना चाहिए, और ROC को भी हमें सब कुछ नोटिफाई करना होता है। तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है, उसको मैं सिर्फ प्रैक्टिकली तुम लोग को दिखाने वाली हूँ इन द फॉर्म ऑफ सम रेजोल्यूशंस, बोर्ड रेजोल्यूशन जो लगता है, सम फॉर्म्स जो हमें फाइल करने होते हैं विद द ROC कि भाई हमने डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया है या हम करना चाह रहे हैं, वैसे करने के बाद ही बताया जाता है। और ये डायरेक्टर भी अपना कंसेंट देता है कंपनी को, हाँ आई वॉन्ट टू एक्ट एज द डायरेक्टर इन योर कंपनी। एंड इस कभी कभी डायरेक्टर अगर जो कोई पहली बार ज़िंदगी में डायरेक्टर बन रहा है, जैसे मैं अभी तक डायरेक्टर नहीं हूँ कहीं, तो मेरे पास एक स्पेशल नंबर होना चाहिए। जैसे हर एक ह्यूमन के पास एक आधार नंबर होता है, पैन नंबर होता है, वैसे ही अगर तुम किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो तुम्हारे पास एक स्पेशल नंबर होता है जिसको बोलते हैं DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब इससे हम, अभी देखो जैसे दो लोग हैं, एक का नाम है राकेश कुमार और दूसरे का भी नाम है राकेश कुमार, दोनों का नाम अगर राकेश कुमार है, दोनों डायरेक्टर्स हैं किसी कंपनी में, और हम अगर ढूंढ रहे हैं, हम मास्टर डेटा पे सर्च करें तो वील गो क्रेजी। राकेश कुमार कितने सारे हैं भाई, एक जैसे लोग हो गए, कितने हज़ारों करोड़ों लोग हो सकते हैं। तो उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उनके पास एक होना चाहिए, ताकि हम नाम वाम से ना सर्च करें, हम बस चुपचाप ये जो नंबर होता है 0842 ऐसे कर करके 6 डिजिट एक नंबर होगा, बस हम उस डिजिट डालेंगे, वो नंबर हम डालेंगे और हमारा काम चल जाएगा, बस 6 to 8 digits बस। तो अब वो क्या होता है DIN, तो मैंने क्या कहा था, किसी जो नया डायरेक्टर बन रहे से, मैं मेरे पास ये नंबर ही नहीं है, तो इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, उसकी भी प्रोसेस मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी। तो देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ाने बैठी हूँ यहाँ तुम लोग को, मैं तुम लोग को प्रैक्टिकली दिखाऊँगी कि हाउ द रेजोल्यूशंस आर पास्ड, हाउ यू फिल द फॉर्म्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी ने बात करी किसी से और बोला कि आप डायरेक्टर बनोगे, उसने कहा हाँ ठीक है। तो कंपनी ने कहा ठीक है, अपना आधार एंड पैन, उस डायरेक्टर से कहा अपना आधार एंड पैन हमें दे दो, तो हम ही आपके लिए कंसेंट लेटर बना देंगे, नहीं तो एक काम करो आप खुद ही फॉर्म DIR-2 फाइल करके दे दो, क्योंकि हमें आपके इसमें डिटेल्स चाहिए होते हैं, प्राइवेट डिटेल्स। ठीक है, तो अब ये जो DIR-2 होता है, इट इज़ कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर इन अ कंपनी पर्सन टू दिस दिस सेक्शंस एंड रूल्स। ठीक है, अभी जो है समझो, ये डायरेक्टर बोल रहा है कंपनी को कि मैं अपना कंसेंट दे रहा हूँ, सो टू जो भी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, सब्जेक्ट कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, इसलिए का लेटर समझ लो। ठीक है, आई जो भी इनका नाम है मिस्टर डी, हेयर बाय गिव माई कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर इन योर कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड पर्सन टू सो एंड सो सेक्शंस। अब डायरेक्टर अपने सारे डिटेल्स देगा। सबसे पहली चीज़ तो डायरेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है DIN, वो अप्लाइड, क्योंकि मेरे पास अभी मैं न्यू डायरेक्टर हूँ, मेरे पास DIN नहीं है, तो अप्लाइड। अगर लेकिन ये कोई पुराना डायरेक्टर हो, काफ़ी सालों से कहीं डायरेक्टर है, इसके पास ऑलरेडी DIN है, तो यहाँ पर वो नंबर लिख दिया जाता है, ये रहा मेरा DIN, बट ये अप्लाइड है, तो ठीक है अप्लाइड। फादर्स नेम, खुद का नाम, एड्रेस जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब। वैसे हमें एड्रेस हमेशा आधार से देख के लिखना होता है, इसलिए हमने कहा था आधार होना चाहिए, क्योंकि अब आधार में ही हम, आधार को ही हम प्रूफ ऑफ एड्रेस मानते हैं। ठीक है, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी आपकी है, इनकम टैक्स का पैन, इसलिए हमें पैन कार्ड की भी कॉपी चाहिए होती है, फोटो खींच के भेज दो, हम लोग तो डायरेक्टर से बोलते हैं आप फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, हम खुद ही आपका कंसेंट लेटर फाइल कर देंगे। ऑक्यूपेशन क्या है आपका, आप बिजनेस में हैं, कुछ लोग प्रोफेसर्स भी होते हैं, कुछ लेडीज़ होती हैं वो हाउसवाइफ्स भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफेशन आप उनका लिख सकते हो, देन डेट ऑफ बर्थ, ये भी आधार और पैन दोनों में से मैच कर लेना, दोनों में सेम होगी, नेशनलिटी इंडियन ही होंगे ऑफकोर्स। एनी अदर कंपनीज जहाँ पर आप ऑलरेडी डायरेक्टर, MD, CEO, CFO कुछ हैं नहीं, आप कहीं कुछ नहीं है। अगर लेकिन मैं हूँ, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बन रही हूँ, तो मैं CS भी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी येस, डेजिग्नेशन CS, कंपनी का नाम सो एंड सो। ठीक है, पर्टिकुलर जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट हो सकता, मैं तो CS भी हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट ऑफ अपना COP नंबर अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो, नहीं तो मैं अपना मेंबरशिप नंबर यहाँ पे लिख दूँगी कि मैं अपना कंसेंट तो दे रही हूँ डायरेक्टर बनने के लिए, और मुझे ये सारी चीज़ें भी अपने बारे में बतानी होंगी जिसको कंपनी फॉरवर्ड करेगी
टू द रजिस्ट्रार, ठीक है, और कंपनी के रिकॉर्ड्स में भी आ जाएगा। फिर हम डिक्लेरेशन यहाँ पे लिख देते हैं, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट इसमें सब कुछ सच है, ब्ला ब्ला ब्ला, आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, डेट प्लेस जो भी है यहाँ पे आ जाता है। सिग्नेचर यहाँ पे डायरेक्टर अपना साइन कर देगा, डेजिग्नेशन, और यहाँ पे प्रूफ आपको देना होगा आधार पैन का, ठीक है। अब मैं दूसरा आपको चीज़ दिखाती हूँ, अनदर थिंग इज़ ये रहा, दिस इज़ बोर्ड रेजोल्यूशन। अब हम बोर्ड, बोर्ड क्या करेगा, कंसेंट लेटर हमें मिल गया है, बोर्ड अब इनको करेगा अपॉइंट, बोर्ड पास करेगा स्पेशल, सॉरी नॉट स्पेशल, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होता उसमें, वो तो ईजीएम एजीएम में होता है, बोर्ड अपना पास करेगा बोर्ड रेजोल्यूशन। तो ये रहा एक्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का सिन, रजिस्टर्ड ऑफिस, ये लेटर हेड होता है कंपनी का, ठीक है, ईमेल आईडी जो भी है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड हेल्ड ऑन दिस डेट एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्ला ब्ला ब्ला, एट जो भी टाइम है। क्यों, ये जो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स हैं, क्या काम है इसका, किया क्या इन लोगों ने, ये रहा अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर मिसेस जो भी हैं एक्स एज एन एडिशनल डायरेक्टर। तो मैं ये चीज़ बहुत बार बता चुकी हूँ तुम लोगों को कि बोर्ड पहले जो अपॉइंट करता है डायरेक्टर को उसको बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर, क्योंकि बोर्ड को अभी चाहिए थे डायरेक्टर, वैकेंसी हो गई थी तो बोर्ड ने अपॉइंट कर लिया। लेकिन मैंने क्या कहा था, मेंबर्स के पास है अथॉरिटी कि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, तो बोर्ड ने जब तक अपॉइंट कर रखा होता है उसको बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर। जब हम मेंबर्स से उसका एजीएम या ईजीएम में रेटिफिकेशन करवा लेते हैं रेजोल्यूशन पास करके, वो फेवर में वोट कर देते हैं, तो ये एडिशनल वर्ड हट जाता है और ये जो डायरेक्टर है ये बन जाता है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये चीज़ मैं कई बार बता चुकी हूँ। अब ये रहा रेजोल्यूशन, इसको तुम लोग रीड कर सकते हो, रिजॉल्व दैट पर्सन टू सो एंड सो सेक्शंस ब्ला ब्ला ब्ला, मिस्टर सो एंड सो हैव गिवन देयर कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और ये रहा उनका पैन, क्योंकि उनके पास दिन नहीं है तो हम उनका पैन नंबर लिख देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड एनी ऑफ द डायरेक्टर्स हियर बाय इज ऑथराइज टू फाइल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स विद द अथॉरिटीज टू गिव इफेक्ट। अब इसी रेजोल्यूशन में हो सकता है कोई रिजाइन कर रहा हो तो उनका रेजिग्नेशन भी यहाँ पे लिख देंगे, रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर वाई, सेम चीज़ रहती है, सेक्शन चेंज हो जाएगा, पर्सन टू दिस दिस, अच्छा इस डायरेक्टर पास ऑलरेडी डिन है, तभी तो ये डायरेक्टर था और अब रिज़ाइन कर रहा है, तो यहाँ पे इनका डिन आ जाएगा, ये देखो ऐसे करके यहाँ पे डिन आ जाता है, एनी अदर डायरेक्टर्स इज ऑथराइज ब्ला ब्ला ब्ला, फॉर ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी है मिनट्स की फॉर एक्स लिमिटेड। अब कौन से दो डायरेक्टर्स हैं जो ऑथराइज हैं इसको फाइल करने के लिए, तो यहाँ पे वो अपना साइन कर देंगे, ये रहा साइन साइन, डायरेक्टर वन या डायरेक्टर टू, उनका डिन डिन, डेट प्लेस। तो ये हो गया बोर्ड रेजोल्यूशन, अब हमने कर लिया है अपॉइंट। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी ये देखते हैं। अब जो मैंने तुम लोग को बताया था, हमने अपॉइंट तो कर लिया है लेकिन उस डायरेक्टर के पास उसका डिन नहीं है, तो वो डायरेक्टर कह रहा है यार मुझे ये सब प्रोसीजर नहीं पता कि कैसे हम मुझे डिन के लिए अप्लाई वगैरह करना है, कंपनी को ही बोल रहा है कि मैं आपके यहाँ डायरेक्टर तो अपॉइंट हो ही रहा हूँ, तो एक काम करो मेरा डिन आप ही अप्लाई कर दो। तो हम अपने आप को, कंपनी कैसे अप्लाई करेगी, कंपनी को तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी रेजोल्यूशन से वर्क करती है, तो अब हम बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे फॉर डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये रहा उस कंपनी का नाम, एक्स स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड, जो भी नाम है मतलब कंपनी का, वो तो मैंने कुछ भी डाल दिया। ये लेटर हेड है पूरा, सिन, रजिस्टर्ड ऑफिस, ईमेल हो गया। क्या है बोर्ड रेजोल्यूशन, टू कंसिडर द कैंडिडेचर एंड ऑथराइज द बोर्ड, कंसिडर तो हम कर ही रहे हैं कैंडिडेचर, बोर्ड को भी ऑथराइज कर रहे हैं, फॉर द प्रपोजल ऑफ नेम ऑफ मिस्टर एक्स, जो भी है इनका नाम मिस्टर एक्स, सन ऑफ मिस्टर वाई जो भी है, फॉर एप्लीकेशन, एक सेकेंड, हाँ, फॉर एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिन, हम अप्लाई करना चाह रहे हैं ताकि अलॉट हो जाए इनको डिन नंबर, डायरेक्टर एडिफेशन नंबर, ये हम एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं आरओसी से, काइंडली ऑथराइज द बोर्ड, ये हम कंपनी यानी मेंबर्स को बोल रहे हैं। मतलब एक्चुअली इसमें मेंबर्स रेजोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही कर लेगा, तो हमने अपने इसको हमें पेपर पे दिखाना होता है पूरा, ठीक है, ये सब रीड कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रहा रेजोल्यूशन, रिजॉल्व दैट टेकिंग टू कंसिडरेशन द फैक्ट्स एंड नरेशंस डिस्कस्ड बाय द बोर्ड, एप्लीकेशन ऑफ मिस्टर एक्स,
अरे हट भाई ये क्या है, हाँ मिस्टर एक्स, फॉर द कैंडिडेचर ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड इज हेयर बाय अकॉर्डेड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हेयर बाय अकॉर्डेड मतलब हमने कंसेंट अकॉर्ड कर लिया है टू अप्लाई टू ऑब्टेन द डिन एंड अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर और मिस्टर जो भी हैं इज हेयर बाय ब्ला 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 ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑथराइज टू फाइल द फॉर्म्स एंड ऑल दैट। मेसर्स जो भी कंपनी का नाम है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर जो भी है जेड, एक क्योंकि डायरेक्टर इसको साइन करता है ना, डायरेक्टर नहीं है तो सी एस कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, ये देखो ऑथराइजेशन कम कंसेंट लेटर। मैंने क्या कहा था, उस डायरेक्टर ने बोला था कंपनी को कि यार मुझे इतनी नॉलेज नहीं है प्रोसीजर की, मेरे बिहाफ पे कर दो। तो ये डायरेक्टर कंपनी बोल रही है कि ठीक है हमें आप एक ऑथराइजेशन लेटर दो, कंसेंट लेटर दे दो। तो ये डायरेक्टर कंपनी को कंसेंट लेटर दे रहा है कि हाँ मैं डायरेक्टर की तरह भी एक्ट करूँगा और ऑथराइज भी कर रहा हूँ कि मेरे बिहाफ पे आप मेरा डिन फाइल कर दो, आई एम गिविंग यू ऑथराइजेशन। कंपनी अपने मन से नहीं कर रही, इस चीज़ का ही प्रूफ हो जाएगा। डेट लेटर है, ये लेटर के फॉर्म में रहता है, टू जो भी कंपनी का नाम है, रजिस्टर्ड ऑफिस ब्ला ब्ला, सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर आई मिस्टर एक्स सन ऑफ मिस्टर वाई रेसिडिंग एट ब्ला 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 हेयर बाय गिव माई कैंडिडेचर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्स जो भी नाम है कंपनी का एक्स प्राइवेट लिमिटेड आई डो नॉट हैव इनकर्ड एनी डिसक्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन सो एंड सो ऑफ कंपनीज एक्ट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड आई प्रेजेंट स्टैंड फ्री फ्रॉम एनी डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर आई ऑल्सो डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी एज पर सेक्शन 154 नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी अनलेस ही हैज़ बीन अलॉटेड डिन। तो सो मुझे डिन चाहिए, यहाँ पर इन्होंने ही मैंशन कर दिया। आई एम नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, आई नॉट बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ये सारी चीज़ें इनको डिक्लेयर करनी होती कि मैं चोर वोर नहीं हूँ, मैं बढ़िया आदमी हूँ, मैं एकदम सही हूँ। आई फर्दर डिक्लेयर आई गिव माई कंसेंट फॉर दिस कंपनी टू फाइल टू प्रोसेस माई एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। कंपनी को ऑथराइज कर रही हूँ, योर सिंसेयरली जो भी मेरा नाम है सन ऑफ जो भी मेरा एड्रेस है ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब बस, तो तुम लोग समझ गए, डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया और डायरेक्टर से कंसेंट ले लिया, उनके डिन के लिए भी हमने कंपनी को ऑथराइज कर दिया है कि हम अपना आप इनका डिन भी फाइल कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ दिखाती हूँ, जो फाइनल चीज़ है कि ये जो डिन है वो किस फॉर्म में हम आरओसी को भेजते हैं। ये देखो, अब हमारे पास सारे अटैचमेंट्स रेडी हैं साइंड वगैरह, अब हम फाइल करेंगे एमसीए के पोर्टल पे जाके V3 पे आईडी बनानी होगी अपनी आपको V3 पोर्टल पे, और उसमें आप जाएंगे कंपनी ई फाइलिंग, कंपनी ई फाइलिंग में जाके यू विल गो टू डिन सर्विसेज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर सर्विसेज, तब आपको आएगा फॉर्म DIR3। देन जो ये फॉर्म है DIR3 इसको फिल करा जाएगा। इसका मतलब क्या है इस फॉर्म का, क्योंकि हम ROC को बता रहे हैं एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, मुझे डिन नंबर दे दो, मैं ऐसा आपको एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ डियर ROC। मैंने साथ में वो सारे अटैचमेंट भी लगा दिए हैं, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं, देखो सारे अटैचमेंट्स पहले तो रेडी कर लो। ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन फॉर्म होता है, पहले इसको डाउनलोड करना पड़ता था, डाउनलोड करके आराम से ऑफलाइन फिल करो, लेकिन नहीं अब ऐसा नहीं होता है। अब आपको आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, पावर सप्लाई आपका रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है पावर कट हो गया था, मेरा फॉर्म आधे में ही स्टक हो गया, मुझे फिर से पूरा फिल करना पड़ा, ठीक है। एक मिनट का ही फॉर्म होता है, बहुत छोटा सा है। आप चाहो तो डिजी लॉकर से फेच कर सकते हो डिटेल्स, बट हमारे पास वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब है। सो सबसे पहले तो फोटोग्राफ इनकी लगानी होगी, JPEG फॉर्म में होनी चाहिए या PNG फॉर्म में होनी चाहिए, और किसी भी चीज़ का साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सब कुछ कंप्रेस करके रेडी रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी लग जाएगी फ़ोटो, और अगर फ़ोटो नहीं है तो इनके आधार या पैन से स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इतनी गंदी फोटोज़ होती हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, समझ में कुछ नहीं आने वाला, बहुत गंदी फोटोज़ होती हैं। इससे अच्छा अपने डायरेक्टर से मांग लो कि सर फोटो दे दो। सिटीज़न ऑफ इंडिया, यस ये तो हम ही कर रहे हैं, ये तो मैंने खुद ही फिल किया था पूरा। एप्लीकेंट्स नेम एक्स, मिडिल नेम वाई, लास्ट नेम जेड, ठीक है। फादर्स नेम वाई नथिंग, लास्ट नेम जेड। नेशनैलिटी इंडियन, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यस। ऑक्यूपेशन टाइप
सेल्फ एम्प्लॉयड तो कुछ लोगों के लिए हम प्रोफेशनल डालते हैं, अगर मैं हूँ आई एम ए सी एस, अपने लिए मैं प्रोफेशनल डालूंगी, इफ़ आई एम अ हाउस वाइफ तो मैं होम मेकर डाल दूंगी, और स्टूडेंट ही हूँ अगर स्टार्टअप कर रही हूँ, डायरेक्टर बनना है खुद ही अपनी कंपनी का तो स्टूडेंट डाल दिया जाएगा, जो भी है एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन आपका क्या है, बिजनेस फर्दर। यहाँ पर से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यू कैन चूज़ एनी ऑफ देम। अगर आपने उनमें से अदर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर टाइप करो सर्विस या फिर जो भी है टाइप करना पड़ता है। फिर यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर्स या फिर सी एस या सी ए, जो भी आप हो, लॉयर LLB कुछ नहीं है तो ग्रेजुएट तो सभी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अदर्स लिया तो यहाँ पे लिखो क्या है, PhD जो भी है। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, डेट ऑफ बर्थ, नाउ यू हैव टू बी केयरफुल, डेट ऑफ बर्थ आपको पैन से लिखनी है, पैन इनका खोल लीजिए, पैन से ही लिखनी है डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आपको यहाँ पे पैन वेरीफाई करने का एक बॉक्स बना होता है। नीचे आप पैन नंबर डालोगे, ये देखो अपना यहाँ पे जेंडर डाल दो, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, जो भी है यहाँ पे नीचे, फिर आप अपना पैन से देख के पैन नंबर लिखोगे, फिर एक यहाँ पे बॉक्स होता है, लिखा होता है वेरीफाई पैन। तो ये जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी वेरीफाई पैन को, तो ऑटोमेटिकली पैन नंबर और इनका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और इनका खुद का नेम सब ऑटोमेटिकली चेक हो जाते हैं, और हमें एक ग्रीन कलर का ऐसे मैसेज आता है लिख के कि सक्सेसफुली वेरीफाइड पैन। तो वो देख के बड़ी खुशी होती है कि चलो सब सही से डाला है, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे उसके बाद आपको PDF फॉर्म में 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साइज, आपको पैन का अटैचमेंट चिपकाना होता है, पहले से सारे अटैचमेंट्स रेडी रखना। डू हैव आधार, ऑब्वियसली सबके पास होता है, यस, यहाँ पे आधार नंबर एक एक टाइप करो, इट्स टू मच, तो यहाँ पे वो साइड में वो भी करना होता है, फिर ऑफकोर्स अटैचमेंट चिपकानी होती है, पैन आधार मस्ट है, वोटर, अब ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं होती हैं, वोटर पासपोर्ट ये सब मैं नहीं डालती, सिर्फ पैन आधार बहुत है, DL इतना करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 होने चाहिए, क्योंकि आपका आधार क्या होता है, आधार आपका रेसिडेंट प्रूफ होता है, आपका एड्रेस होता है क्योंकि उसमें, हाँ, पैन क्या होता है, आपका ID प्रूफ होता है क्योंकि उसमें आपका नाम नंबर सब कुछ होता है, फादर्स नेम एंड एवरीथिंग, और आधार पैन दोनों साथ में बेस्ट कॉम्बो है, और कुछ आपको ज़रूरत ही नहीं है आधार पैन अगर आपके पास, आप कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हो किसी का भी, परमानेंट एड्रेस ये एज़ पर मैंने क्या कहा था, आधार के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आधार आपका होता है रेजिडेंस प्रूफ, यहाँ पे अपना डाल दो, ये परमानेंट आपका एड्रेस क्योंकि आधार में लिखा होता है, लेकिन कुछ लोगों का परमानेंट एड्रेस कुछ और होता है, लेकिन जॉब की वजह से अगर आप कहीं और मूव कर गए, फॉर एग्जांपल चेन्नई, जॉब की वजह से आप यहाँ चले गए, परमानेंट एड्रेस आपका कहीं और है, पंजाब है आपका परमानेंट एड्रेस, अब आप लेकिन चले गए जॉब के लिए चेन्नई, तो ये आपका हो गया करेंट लोकेशन, करेंट एड्रेस, तो इसके लिए आपको लगाना पड़ता है बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि वो भी 2 या ई बिल जो भी है उसकी कॉपी लगानी होती है, 2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका पैन में, नहीं सॉरी, पैन में एड्रेस तो होता ही नहीं है, आधार में आपका एड्रेस होता है परमानेंट। तो यहाँ पे लिख दिया कंट्री, पिन कोड, एरिया, लोकेलिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पुलिस, जो भी पुलिस का ऑफिस वहाँ पे पड़ रहा हो, ज्यूरिसडिक्शन जो भी है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, कंट्री कोड +91 लगा के जो भी फ़ोन नंबर है पूरा लिखना होता है, ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दो। तो इसीलिए जो हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्म फिल किया था, तो याद करो कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर DIR 2, उसमें ये सारी चीज़ें पहले से लिखी होती है, तो उसका वर्ड फाइल अगर तुम्हारे पास है तो उसको बस तुम्हें यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, तो इसलिए हम वो अटैचमेंट्स पहले से प्रिपेयर करके रख लेते हैं, ताकि फॉर्म फिल करने में हमें, और लेकिन डबल चेक कर लेना सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ गलत मत डाल देना। वेदर रेजिडेंशियल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट, येस, अगर नो है तो यहाँ पर जो भी नया एड्रेस है वो डालो, या करेंट एड्रेस, हो गया येस नो कर लिया, फ़ोन ब्ला ब्ला ब्ला, हो गया ख़त्म। अटैचमेंट्स, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आपका आधार हो गया ऑप्शनल, ऑप्शनल में आप वो सारी चीज़ें लगा दो, बोर्ड रेजोल्यूशन और DIR 2, जो भी लगाना है ऑप्शनल में मैं कहती हूँ लगा दो, ताकि ROC को बढ़िया लगे कि आपने सारी चीज़ें प्रॉपरली करी हैं, कंसेंट वगैरह सब ले लिया है, ताकि कोई भी ROC के पास ऐसा रीज़न ही ना हो कि वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सके, ठीक है। तो अटैचमेंट्स हैं तो मैं तो कहती हूँ ज़रूर लगाओ, यहाँ पे सब अटैचमेंट्स लग जाएंगी। अब फाइनली यहाँ पे दिया जाता है वेरिफिकेशन, कौन वेरीफाई करता है,
जिसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं मिस्टर एक्स, जो डायरेक्टर के लिए हम डिन बना रहे हैं, डिन अलॉट करने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, वही यहाँ लिखेंगे आई एक्स सन ऑफ मिस्टर वाई, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, यहाँ पर पूरा एड्रेस, वही वेरीफाई करेगा दैट आई कन्फर्म दैट द फोटो एड्रेस एंड एवरी थिंग इज़ करेक्ट एंड आई एम नॉट अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एंड ऑल दैट। आई ऑल्सो डिक्लेयर आई एम नॉट रिक्वायर टू ऑब्टेन सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम एम सी ए, मतलब मैं चोर और नहीं हूँ, मैं एकदम सही इंसान हूँ, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी एंड मुझे डिन दे दो प्लीज़। डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर लग जाएगा जो भी पर्सन है उसका। डिजिटल सिग्नेचर इज़ लाइक अ पेन ड्राइव, ठीक है, एक पेन ड्राइव की तरह होता है, उसको अपने लैपटॉप में आपको या डेस्कटॉप जो भी उसमें यहाँ पे इंसर्ट करना होता है और यहाँ पे उसका डिजिटल सिग्नेचर अपने आप आ जाएगा, सेलेक्ट करना होता है मतलब। अब सर्टिफाई कौन करेगा इसके काम को, कोई भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग इसको सर्टिफाई करेंगे कि हाँ भाई ये सही है, तो ये सारे टिक बॉक्स मार टिक कर देगा, यस ये सारी चीज़ें मैं सर्टिफाई कर दी हैं, यहाँ पे उसका डिजिटल सिग्नेचर लग जाएगा जो भी पीसीएस है जो भी है। और एक्चुअली ये सर्टिफाई कौन कर रहा है इस कैटेगरी, इस केस में कौन कर रहा है यहाँ पे, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। याद करो मिस्टर एक्स को एक्स प्राइवेट लिमिटेड में जाके बनना था डायरेक्टर, तो ऑथराइज किया इसी कंपनी को, तो इसी कंपनी के लोग यहाँ पे कर देंगे सर्टिफाई कि ये रहा मेरा डिन नंबर, ये रही हमारी कंपनी जिसमें ये डायरेक्टर बनने वाले हैं, ये रहा नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। बस इतना करने के बाद अगर अगर आप किसी कंपनी में बनने जा रहे हो तो कंपनी ऑथराइज़ किया, क्योंकि बोर्ड रेजोल्यूशन में हमने एक डायरेक्टर को ऑथराइज़ किया था ना। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये रहा, हाँ अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे पास डिन नंबर होना चाहिए, तो आप किसी भी प्रैक्टिसिंग जो भी सी ए सी एस सी एम ए जो भी होता है उसके पास जाके बोल सकते हो कि मेरे फिल कर दो, तो यहाँ पे डायरेक्टर की जगह ये आ जाएगा जो भी आपको सर्टिफाई कर रहा है। बस फाइनली यहाँ पे आपका एस आर एन जनरेट होगा ताकि आप फॉर्म ट्रैक कर सको एंड डेट आ जाएगी। बस इतना ही था, सो यही था पूरा प्रोसीजर एंड आई होप तुम लोगों को समझ में आया हो प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे किया जाता है। सो अगर मज़ा आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और इंटरेस्टिंग लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।